हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चने के साग की भुजिया की रेसिपी। ठंड का सीज़न है और चने का साग में आ चुका है, इसे आप झटपट बनाकर रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो चने का साग है, जितनी तेज़ी से मार्केट में आता है उतनी तेज़ी से ही ख़त्म भी हो जाता है, इसलिए आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तब तक रेसिपी शुरू कर लेते हैं। विंटर सीज़न में चने का साग आने लगा है और इसे लाकर आप इसकी कई प्रकार की रेसिपीज बना सकते हैं। सबसे पहले हमने चने को लाकर इस प्रकार से जो हार्ड डंडियां हैं, जो टाइट वाली डंडियां हैं, उन्हें हमने इस प्रकार तोड़ दिया है और जो नरम डंडियां हैं उसे हमने रख लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, चने की साग को कभी भी धोना नहीं चाहिए। धोने से जो उसका स्वाद होता है वो निकल जाता है। इसमें जो नमकीनपन होता है या थोड़ा खट्टापन होता है वो धोने से निकल जाता है, उसका स्वाद जरा भी नहीं आता है। इस प्रकार आप इसकी जो डंडियां हैं पूरी तोड़ लीजिए। इसे मैंने पहले से ही साफ करके रखा हुआ था तोड़कर। अब आगे चलते हैं अगली प्रोसेस के लिए। इसे हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हमने कॉटन का कपड़ा लिया है और थोड़ा सा चने का साग इसमें हम डाल देते हैं और कपड़े पर हम इस प्रकार इसे साफ़ कर लेते हैं। इसमें जो थोड़ा बहुत डस्ट होगी तो वो साफ़ हो जाएगी। पहले के समय तो चने के साग को हंसिया से काटा जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है और इसे काटने का तरीका भी बदल गया है। हम यहाँ पर चने के साग को एक कैंची की सहायता से काट रहे हैं। थोड़ा सा बंच लेकर हाथों में इस प्रकार ले लीजिए और बारीक बारीक से इस प्रकार से चने के साग को काटते जाइए। ये जो चने का साग होता है, जितना बारीक कटता है इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। कोशिश करके जितना बारीक हो सके उतना ही बारीक कट कीजिए। देखिए, इस प्रकार आप कैंची की सहायता से भी इसे बारीक बारीक से कट कर सकते हैं। आसानी से कट जाता है, परेशानी भी नहीं होती। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप, ये देखिए आप इस प्रकार से। आज जो चने के साग की जो सूखी भाजी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि जो बनती है तो खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगती है और आसानी से और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। इस प्रकार से आप सारे जो चने के साग को कट कर लीजिए। ये देखिए, कैंची की सहायता से हमने जो सारा जो चने का साग है उसे कट कर लिया है। लेकिन देखने में पता भी नहीं चल रहा है आपको कि आपने इसे हसिया से कट किया है किसी और से। इस प्रकार से आप इसे कट कर लीजिए। अब चलते हैं आगे की प्रोसेस के लिए। फ्रेंड्स, आगे वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो मेरी वीडियोस हैं नई नई आप तक पहुंच सके। इसके लिए आप बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो चलिए आगे की प्रोसेस शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर गैस को ऑन करके हमने एक कढ़ाई रख दी है। यहाँ पर हमने एक बड़ी कढ़ाई ली है, इसमें हम डाल देते हैं बड़ा कप पानी, लगभग एक गिलास के लगभग इसमें पानी डाल देते हैं। यहाँ पर जो है पानी गर्म हो गया है। फ्रेंड्स, ये मूंग की दाल है, ये घर की बनी हुई मूंग की दाल है, इसलिए इसे हम धो नहीं रहे हैं क्योंकि ये घर की बनी हुई है। अगर आप मार्केट से दो मूंग की दाल लेकर आते हैं तो उसे आप ज़रूर धो लीजिए और इसमें जो कंकड़ वगैरह है उसे भी चेक कर लीजिए। जैसे ही पानी गर्म हो, यहाँ पर हमने आधी कटोरी मूंग की दाल ली, इसे हम डाल देते हैं पानी में और साथ में ही हम डाल देते हैं यहाँ कटा हुआ चने का साग। गैस के फ्लेम को मीडियम फ्लेम पे रखना है, ना तो ज़्यादा हाई करना है ना ही ज़्यादा स्लो करना है, और इसे हम छोड़ देते हैं और पानी में जैसे उबाल आने लगेगा तो गैस की फ्लेम को हम कम या ज़्यादा करते जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई करके रखा हुआ है और जो दाल है वो अपने आप ऊपर की तरफ आ गई है। आपको इसे कवर नहीं करना, कवर करने की वजह से जो दाल है बाहर की तरफ आ जाती है, इसलिए चने के साग को हमें खुला ही पकाना है जब तक ये ड्राई ना हो जाए, यानी कि जो उसका पानी है वो पूरी तरीके से सूख ना जाए। अब इसमें हम डाल देते हैं एक छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप खाते हो। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये जो दाल है जब तक गल ना जाए तब तक इसे हम पकने देंगे। ये देखिए, जब हमने कढ़ाई में साग को डाला था तब कढ़ाई जो पूरी भरी हुई थी, यानी कि साग जो है वो कम हो गया है। अभी तो उसमें थोड़ा पानी और है, जो साग है थोड़ा और कम हो जाएगा। जब तक हमारे साग का जो पानी है और कम हो रहा है, यानी कि घट रहा है और साग सूख रहा है, तब तक हम यहाँ पर मिर्च है उसे कट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक चॉपर लिया है और कुछ हरी मिर्च ली है। यहाँ पर तीखा आप अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं कम या ज़्यादा। मिर्च को हमने काट काट कर चॉपर में डाल दिया है। आप चाहें तो इन मिर्च को ग्राइंडर जार में भी हल्का सा दरदरा कर सकते हैं। मिर्च होती है, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, काफ़ी अच्छा फ्लेवर लगता है। यहाँ पर हमने लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है, अगर आप टेस्ट के लिए थोड़ा लाल मिर्च डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। हरी मिर्च का टेस्ट ही काफ़ी अच्छा आता है।
सारी मिर्च को चॉपर में काट लेने के बाद मैंने चॉप कर लेते हैं। देखिए भाई, जो मिर्च है अच्छे से चॉप हो गई है। यहाँ पर हमने एक खलबत्ता लिया है जिससे हम अदरक कूटते हैं, और ये लहसुन है फ्रेंड। यहाँ पर लहसुन की मात्रा हमने कुछ ज़्यादा रखी है, तभी जो चने का साग है इसका अच्छा, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहे तो लहसुन यहाँ पर कम भी ले सकते हैं, लेकिन जब इस लहसुन को हम इस प्रकार से कुचल कर चने के साग में डालते हैं तब काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो काट कर भी डाल सकते हैं, पर अगर आप इस प्रकार कुचल कर डालें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब इधर हम अपने चने के साग को चेक कर लेते हैं। जो चने का जो पानी था वो पूरा ड्राई हो गया है, और अब हमें क्या करना है, इसे निकालना नहीं है, इसे हम साइड में इस प्रकार से कर देते हैं। इस प्रकार से हमने बीचों बीच जगह बना ली है। डाल देते हैं सरसों का तेल। आप जो भी वेजिटेबल ऑयल खाते हो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है ताकि जो बीच में ऑयल है उसे उसी में सिर्फ हीट पड़े। इसलिए गैस के फ्लेम को यहाँ पर हमने कम कर दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच हींग। हींग से भी इसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए इसे स्किप ना करें। और जीरा और लहसुन जिसे हमने कुचल कर रखा हुआ था। जब लहसुन को हल्का सा फ्राई करते हुए जब इसका कच्चापन निकल जाए तब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च। इसे भी हल्का सा भून लेते हैं। ये जो मिर्च और लहसुन है वो अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इन सारी चीज़ों को हम मिला देते हैं। ये जो हमारा चने का साग है, चने के साग की भुजिया, वो बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे हम किसी बाउल में कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में इसे शेयर कीजिए, और जो मेरे चैनल में नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए मेरे चैनल रॉयल इंडियन किचन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।